हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेंसिल शेड वर्क में प्लास्टिक की बाल्टी बनाना बताने जा रहे हैं। इस चित्र की भी नाप रहेगी 15 सेंटीमीटर। हम अपने ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे, आप हमारे साथ अपने ड्राइंग शीट में बनाना स्टार्ट कीजिए। चित्र की नाप के लिए देखिए हम निशान बना लेंगे। हमारी बाल्टी यहाँ से यहाँ तक बन के तैयार होगी। इसके लिए लाइन्स देखिए हम पहले इधर से ड्रॉ कर रहे हैं। पहले लाइट चौक चला के पूरे चित्र की आकृति हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह ऊपर के हिस्से को भी हम बनाकर दिखा रहे हैं। ये हमने ऊपर के हिस्से को बना लिया है। यहीं से हम बाल्टी की आकृति को हम डबल कर रहे हैं। पेंसिल शेड वर्क में आज हम आपको प्लास्टिक की ये बाल्टी बनाकर दिखा रहे हैं। ये हिस्सा बाल्टी की हैंडल को बनाने के लिए बनाया है हमने। यहीं से नीचे से बाल्टी की आकृति को हम यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से इस लाइन को, जो लाइन हमारी लाइट हुई है, इसको हम डार्क कर लेंगे। सारी लाइंस को हम इसमें डार्क करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही पर बाल्टी का हैंडल बनाने के लिए देखिए लाइंस को हम ब्लॉक्स दे रहे हैं। अलग से जो भी लाइंस आएंगी देखिए हम उनको इरेज कर देंगे, जो भी अलग से हमारी लाइंस बन रही है। बाल्टी को पकड़ने का हिस्सा हमने बना दिया, इसका हैंडल बाल्टी का। यहाँ से हम जो भी लाइंस अलग से थी देखिए हमने उन लाइंस को इरेज कर दिया है। इस हिस्से को थोड़ा सा हम डार्कनेस में दे देंगे। और ये लाइंस को हम क्लियर करते हुए देखिए नीचे तक लेके जा रहे हैं। जो बीच की लाइंस हमारी अलग से लग रही थी उनको देखिए हमें
इरेज कर दिया है और शेडिंग वर्क में मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए ऊपर के भी हिस्से को इसी तरह हम कर लेंगे। जो भी लाइंस आई हैं उनको देखिए हम इरेज कर रहे हैं। अब इसका पूरा शेडिंग वर्क हम कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। ये लाइंस के पास के हिस्से को हम डार्कनेस में देंगे। ये हमने देखिए एक लाइंस हमने ये डार्कनेस में दिखा दी है और बाकी शेडिंग वर्क में मिक्स करते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिए हिस्से को थोड़ा सा हम डार्क शेडिंग वर्क में लेंगे इसके हैंडल के पास के हिस्से को, क्योंकि जो भी चीज़ ढकी हुई होती है वो हमारी डार्क रहती है। बाकी चित्र में हम लाइंस के द्वारा ये देखिए शेडिंग वर्क देंगे जो इसको हम बाद में मिक्स कर देंगे। इधर से हमारा ये हिस्सा इस तरह में शेडिंग वर्क में जाएगा। देखिए पूरा शेडिंग वर्क हम मिक्स करके आपको दिखाएंगे। यहाँ का हिस्सा ये देखिए, इसका शेडिंग वर्क हमारा लाइट डार्क जाएगा। हमने ये प्लास्टिक की बाल्टी आपको 15 सेंटीमीटर नाप में बनाकर बताई है। ये देखिए इसके हैंडल के पास के हिस्से को भी हम शेडिंग वर्क में ही देंगे, इसलिए लाइंस के पास के हिस्से को देखिए हम शेडिंग वर्क में कंप्लीट कर देंगे। जो अलग से लाइंस है देखिए हमने उसको इरेज कर दिया है। यहाँ से देखिए सारी लाइंस को हम क्लियर करते हुए देखिए शेडिंग वर्क अपने हाथों से मिक्स करते हुए देखिए हम इसमें बाल्टी में जा रहे हैं। जो भी लाइंस अलग से आ गई थी ब्लैंक जगह पे उनको हमने इरेज कर दिया है। यहाँ पर हमारा डार्क शेडिंग वर्क जाएगा, ऊपर की ओर से डार्क लेते हुए आ रही है, थोड़ा सा हमारा नीचे का ये पोर्शन डार्कनेस में हम देंगे बाल्टी में। ये देखिए इसके बॉर्डर के पास के भी हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा शेडिंग वर्क हम देते हुए हाथों की मदद से देखिए इसमें मिक्स कर देंगे कि हमारा पूरे चित्र में शेडिंग वर्क कंप्लीट है। थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस दिए दिए में और ये लाइंस को हम क्लियर करके आपको दिखा रहे हैं। सारी लाइंस को हम एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे जो भी रेज हुई है हमारी सारी लाइंस को। ये देखें पूरे हिस्से को हमने क्लियर कर दिया है और इसके हैंडल को बराबर से हम कर देंगे। जो भी लाइंस हमारी रेज हुई है हैंडल की उनको देखो हमने फिर से डार्क कर दिया है। ये देखिए नीचे का भी शेडिंग वर्क इसी तरह हमारा जाएगा। ऊपर की लाइंस को पकड़ के शेडिंग वर्क देंगे, नीचे के हिस्से में अपने आप लाइट शेडिंग वर्क हो जाएगा। जब हम एक हिस्से को पकड़ेंगे तो दूसरे हिस्से में अपने आप शेडिंग वर्क हो जाएगा। बाल्टी को भी हम कहीं पर रखा हुआ ही दिखाएंगे। ये देखिए ये लाइंस को क्लियर कर दे रहे हैं। ये पूरा चित्र एक नाप से बनके तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ इस चित्र की नाप हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। पूरा चित्र एक नाप से बनके तैयार हुआ है परफेक्ट 15 सेंटीमीटर का। ऊपर लिख देंगे हम स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आज हमने आपको पेंसिल शेड वर्क में प्लास्टिक की बाल्टी बनाना बताया है। प्लास्टिक की बाल्टी प्लास्टिक की बाल्टी यहाँ पर लिखेंगे हम। सॉरी
ये पूरा चित्र एक नाप से ही बनकर तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।